Hello students, good morning all of you. So today I am going to explain you class 11 statistics book chapter number 3 measure of central tendency. So students, aap logon ne already class 9th aur 10th ke andar statistics ke andar mean, median, mode ye sab cheeze padhi hui hain, par aap logon ne jab padha tha to uske andar aap logon ne directly kya dekha tha, mean, median, mode is tarah se directly aap log kya kar rahe the, concept mein chale gaye the. पर आपको ये नहीं पता था कि ये जो कॉन्सेप्ट से है किसके हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के हैं. तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्यों है और चैप्टर का नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है. जब हमें किसी भी चीज की एवरेज, उसकी मिडल वैल्यू, उसकी हाईएस्ट वैल्यू, अगर हमको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं. आ गया. तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऐसे हर एक टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं. तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी स्टार्ट करते हैं. तो मैं पहले आपको आज जो टॉपिक है हमारा वो है मीन, और मीन के अंदर दो टाइप के सम है मेरे, ग्रुप और अनग्रुप के. तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिस्ट आउट किया हुआ है. मीन के अंदर पहले मैंने लिखा हुआ है अनग्रुप और नीचे लिखा हुआ है मैंने ग्रुप डेटा का फॉर्मूला. तो अनग्रुप और ग्रुप का मीनिंग तो आपको मालूम ही, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है. जब कभी भी हमको ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट लिख के दी हुई है, जैसे कि मैं बोल दूं कि ऑब्जर्वेशन में एक्सआई की वैल्यू मुझे दी हुई है 10, 15, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 35, इस तरह की वैल्यू अगर मुझे डायरेक्ट दे दी है तो वो क्या होगा, अनग्रुप. और अगर मुझे डेटा दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रुप डेटा. क्लियर हो गया आप सभी को पक्का. और उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करी, उसको भी मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ है. ओनली फॉर आपको एक्सआई यानी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो आप लोग एक्स बार का फॉर्मूला कौन सा रखोगे, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन. और जब आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एक्सआई और एफआई दोनों दिया हुआ है तो आप लोग फॉर्मूला रखोगे सिग्मा एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफआई. और थर्ड फॉर्मूला है मेरा ग्रुप का, जहां पे आप लोग रखेंगे फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफआई डीआई अपॉन सिग्मा एफआई इनटू सी. ये फॉर्मूला का आप लोग वहां पे यूज करेंगे. क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोलूं. चलिए तो अब यही सब फॉर्मूला को हम लोग सम के अंदर अप्लाई करते हैं. और मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर फर्स्ट. सम नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग वैल्यू दी हुई है, 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, इस तरह की आपको 100 वैल्यू दी हुई है. अब आपको ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है कौन सी है, अनग्रुप है. कैसे पता चला आपको, आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख कर दे दी हुई है. तो ये अनग्रुप हुआ. और अनग्रुप के अंदर भी मैंने आपको दो फॉर्मूला लिखी हुई है, व्हेन एक्सआई इज गिवन एंड सेकंड इज द व्हेन एक्सआई एंड एफआई बोथ आर गिवन. तो यहाँ पे आपको ऑनली फॉर क्या दिखाई दे रहा है, एक्सआई, यानी ये खाली किसकी वैल्यू दी हुई है, ऑब्जर्वेशन. तो मैं क्या करूंगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करूंगा. तो मैंने ऊपर वाले सभी वैल्यू का टोटल करा हुआ है डिवाइडेड बाय एन. एन कितना दिया हुआ मुझे, 10. तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला का टोटल करा तो मुझे कितना मिला, 17.8. सो डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ जा रहा है, 1.78. इस तरह से मेरा फाइनल आंसर फर्स्ट वैल्यू का मुझे मिल रहा है. ओके चलिए इसी तरह चलता मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग समय, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको एक्सआई और एफआई दिया हुआ है, यानी पहली वैल्यू है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है और दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो एक्सआई की वैल्यू आपको दे रहा है 30, 35, 40, 45, 50, 55. अगेन कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है. और अनग्रुप के अंदर किस टाइप का सम है, जिसके अंदर हमको एक्सआई एफआई दोनों दिया हुआ है. तो मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट आउट करा हुआ था कि जब कभी भी एक्सआई और एफआई दोनों दिया हुआ तो हम लोग फॉर्मूला क्या रखेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफआई. चलिए तो पहले मैं क्या करूंगा, एफआई एक्सआई का मल्टीप्लाई करूंगा. सो 30 × 40 आई गॉट 120, 35 × 10 आई गॉट 350, 40 × 15 600, 45 × 8 360, 50 × 5 आई गॉट 250 एंड 55 × 3 आई गॉट 165. तो मैंने फाइनली किसका टोटल करूंगा, एफ आई एक्स आई का. तो एफ आई एक्स आई का टोटल करने पे मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 1845. और मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, 45. रख दूंगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. सो मेरा एफ आई एक्स आई का टोटल कितना आ गया, 1845. और सिग्मा एफ आई मेरा कितना आ रहा है, 45. सो दोनों को डिवाइड करने पे मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 41. क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का. चलिए इसी तरह मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे. एक सम हम लोग देख रहे थे ग्रुप का, इसके अंदर मुझे मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं. ओके बहुत ही इजी वे में आपको ये बताने वाला हूँ फॉर्मूला. अब आपको इसके अंदर कभी भी ग्रुप डेटा आता है तो ग्रुप डेटा के अंदर आपको 3 कॉलम बना देनी है. फर्स्ट वन मिडल वैल्यू,
सेकंड कॉलम आपको बनानी है डीआई वाली एंड थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे एफआईडीआई। चलिए अब मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और 10 तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आई गॉट 5, यानी पहली मिडिल वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 5। कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, हर एक क्लास में कितना डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी 5 है तो सेकंड क्या होगी मेरी, उसके अंदर मैं 10 ऐड कर दूंगा, 15 25 35 45 55 65 एज ऑन। क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का। चलिए अब ग्रुप के अंदर जो मेरा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू सी, इसके अंदर मुझे पहले ए की जरूरत पड़ेगी, ए यानी अज्यूम। अब आप लोग जब ये सम देखेंगे तो आप लोग पहले काउंट करें आपको नंबर कितने दिए हुए हैं, 0 टू 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको टोटल 7 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो 7 ऑब्जर्वेशन है तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, ऊपर से मैंने 3 निकाल दी, नीचे से मैंने 3 ऑब्जर्वेशन निकाल दी, और फाइनली मेरा बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 35 आ रही है। तो 35 को मैं क्या ले लूँगा ए, और जहाँ पे ए रखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या सपोज कर लेंगे 0। क्लियर आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। चलिए और ऊपर की जो भी वैल्यू वो कैसे रखेंगे, ऑलवेज -1 -2 -3, और नीचे हम लोग क्या रखेंगे प्लस में 1 2 3। क्लियर हो गया आपको ये भी मैंने क्या बोला पक्का, ये आपको मिल जाएगा डीआई, ओके। अब डीआई कभी कभी चेंज भी होता है, पर वो किस केस में होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। पर यहाँ पे हमें ग्रुप सेम दिया हुआ है, तो जब कभी ये ग्रुप आपको सेम दिया है तो सेकंड वैल्यू यानी जो मिडिल वैल्यू आपको 0 लेना है उसको, ऊपर वाली वैल्यू सब माइनस में, नीचे वाली वैल्यू सब प्लस में आ जाएगी, ओके। चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे एफआई और डीआई का मल्टीप्लाई। एफआई यानी मेरी फ्रीक्वेंसी 3 3 -3 आई गॉट -9, 5 -2 आई ग॔ -10, 12 -1 आई ग॔ -12, 16 0 0, 11 1 11, 5 2 10 एंड 4 3 12। टोटल करने पे मेरा प्लस में आ रहा है 33 और माइनस का टोटल मेरा आ रहा है -31। 33 -31 आई गॉट 2, यानी एफ आई डी ए का टोटल मेरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और मेरा जो फ्रीक्वेंसी उसका टोटल मेरा कितना है 56। चलिए हम लोग फॉर्मूला में रख देंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू सी, ये मेरा फॉर्मूला है। वहाँ पे ए मैंने क्या सपोज करा था 35, सिग्मा एफ आई डी आई का आंसर मेरा आया था 2, सिग्मा एफ आई मुझे कितना मिला था फ्रीक्वेंसी का टोटल 56, और क्लास लेंथ सी यानी क्लास लेंथ कितने कितने का था मेरा डिफरेंस, 10 10 का मेरा डिफरेंस था, सो इंटू क्या करा हुआ मैंने 10, सो 35 एज इट इज, ऊपर मैं 2 × 10 करूँगा आई गॉट 20 डिवाइडेड बाई 56। 35 एज इट इज मैंने क्या करा हुआ पहले 20 डिवाइडेड बाई 56, सो आई गॉट 0.36। अब क्या करेंगे फाइनली हम लोग उसका एडिशन कर देंगे, सो 35 प्लस 0.36 आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी 35.36। क्लियर हो गया आप सभी को पक्का। तो आई होप आप सभी को ये मीन के अंदर अनग्रुप और ग्रुप के तीनों ही सम के अंदर क्लियर हो गया होगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको आगे के भी मीन के मैथड कराने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।